क्योंकि आप एंगल खड़े हो ना, आपको थोड़ा सा फ्रेम टेढ़ा ही है, लेकिन अगर देखो ना, अगर ऐसे होगा ये देखो, पूछ रहे हैं क्या पैसे का मार्ग जी सर, है ऑर्डर है सर, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब ने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं, रोब कार बन गई है, कुछ देर में जो कमसिन बच्ची द्वाजारा है वो लाहौर से कराची वापस भेज रहे हैं जी, लाहौर से कराची उसको रवाना कर दिया जाएगा कुछ देर के अंदर, और ये क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, टेस्टेड कॉपीज बननी जरूरी होती हैं, तो टेस्टेड कॉपीज जैसी तैयार हो जाएंगी बाकायदा तौर पर मीडिया को भी फिर सर्कुलेट हो जाएंगी। आपको हो गया, आप तो बात करें करें नहीं नहीं वो चले माइक में सर चौबीस को कहा जा रहा था कि यहाँ से पकड़ना है सर, इसमें ये गुजारिश है कि मजिस्ट्रेट साहब ने इसे कॉग्निजेंस ली थी, सुबह टीम आई थी कराची से, केस में हमने एप्लीकेशन फाइल की थी मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में कि जनाब ये बच्ची नाबालिग है, इस बच्ची को आप ट्रांसफ़र करें दारुलमान से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और इसी हवाले से आज के लिए हमारी समाअत भी मुकर्रर थी, और अपोजिट साइड की तरफ से दो दरख्वास्तें आई थी कि जी हम बच्ची का ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाना चाहते हैं और बच्ची का हम 164 का बयान करवाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। हमने उसे दोनों एप्लीकेशन को कंटेस्ट किया और अपनी एप्लीकेशन को भी, और हमने ये ग्राउंड एजिटेट की क्योंकि इस कोर्ट के पास इख्तियार समाप्त नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा और इस कोर्ट में सिर्फ बच्ची की हवालगी के हवाले से एक एप्लीकेशन है। इसी अस्ना में कराची से भी पुलिस टीम आई और वो भी पेश हुए और उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ अब वो पूरी हो गई हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर पास कर दी है और पुलिस टीम को डायरेक्शन दी है कि आप बच्ची को सेफ कस्टडी में टेक ओवर करें दारुलमान से और दारुलमान से कराची मूव करें। अच्छा, मैं उसमें ऐड कर दूं कि जो दरख्वास्तें इन लोगों ने यहाँ पे दी थी वो अदालत को डी ट्रैक करने के लिए, अदालत को मिस गाइड करने के लिए दी थी, वो कोई नहायत ही फजूल किस्म की दरख्वास्तें थी, ये जानते हुए कि बच्ची कमसिन है, बच्ची को सूबे की आइनी अदालत का डिवीजन बेंच जो है वो डिक्लेयर कर चुका था कि वो बच्ची अब नाबालिगा है और उस बच्ची की कोई कंसेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमने इस अदालत को रुजू किया कि हजूर आपका दायरा समात रहा नहीं, चूँकि आपके सामने अगर कोई आके ये भी कहता है कि मैं इस बच्ची का वकील हूँ तो वो झूठ है और वो हकायक को छुपा कर आपके सामने बात लाई गई है, वो वकील भी नहीं हो सकता उस बच्ची का, चूँकि अब वो बच्ची अपनी अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर सकती हाईकोर्ट की डिसीजन होने के बाद। Exactly. जब तक बच्ची का गार्डियन मुकर्रर नहीं होगा तब तक बच्ची का ना तो कोई वकील पेश हो सकता है ना उसके बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इस चीज़ को ऑनरेबल कोर्ट ने एक्नॉलेज की है और उनकी दोनों एप्लीकेशन डिसमिस कर दी हैं, साथ पुलिस को डायरेक्ट किया गया बच्ची को सेफ कस्टडी में दारुल उलूम लाहौर से वसूल करें उनसे एज पर दी ऑर्डर्स ऑफ दी ऑनरेबल कराची हाईकोर्ट। आज आपको ये लोग निकल जाएंगे यहाँ से और जब वापस आएंगे, इस दौरान कोर्ट का ऑर्डर है कि 1 अगस्त को चूँकि बच्ची को पेश किया जाना है ट्रायल कोर्ट में, तब तक उसके साथ ना उसका खामन दोनों तरफ से कोई बंदा नहीं मिल सकेगा। अगर ये जिस तरह से पहले मिला जा रहा था खामन की तरफ से और कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, तो अदालत ने बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई है हमारी गुजारिश के ऊपर कि अब उस बच्ची से वहाँ पर जो कराची का दारुलमान होगा कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल उसके ऊपर अदालत